कभी बूढ़े बाबा का रिश्ता आया जिनका हालांकि फरिश्ता आना चाहिए, लेकिन वो अपना रिश्ता लेके आ जाते हैं कि ये हमारा रिश्ता करवा दे। पार्टनर चाहिए होते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि हमें इस वक्त तन्हाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कारोबार बना लिया उन्होंने रिश्ता करवाने को, तो हम लोग इसको पीस भी लीला करवाते हैं। ऐसे हमारे ज्यादातर प्रोग्राम में ठरकी लड़के ही देखते हैं, उनको रिश्ते की बहुत अशद जरूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ये इंसानियत की खिदमत किस तरह से कर रही हैं और क्या इंसानियत की खिदमत करने के लिए पैसे का होना ज़रूरी है, ये हम इनसे जानेंगे। और ये जो इनकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि ये निकाह को आम कर रही हैं और बुराई को रोक रही हैं, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या नाम है? रुबा हुमायूं। रुबा हुमायूं, मुझे बताएंगे कि ये शादी का ख्याल आपके माइंड में कैसे आया और कब आया? एक्चुअली ये तकरीबन 17 साल पहले मुझे एक कॉल आई, उसमें एक लड़की थी जिसने मुझे कहा कि मेरी आप शादी करवा दें। तो उन्हें पता था मैं बहुत सा सोशल वर्क करती हूँ, मेरी काफी नेटवर्किंग है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, और उसने अपनी जो पूरी कहानी सुनाई मैं बहुत ज़्यादा उससे परेशान हुई। तो इस तरह का जो काम था वो हम लोग तो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये काम भी इस वक्त की ज़रूरत है और लोग बहुत परेशान हैं शादियों के लिए, और जो रिश्ता सर्विस वाले हैं वो इतने ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं और इतनी ज़्यादा वो फीसें हैं उनकी, तो जो आम लोग हैं वो उसके लिए उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो उन लोगों से रابطہ करके और अपने रिश्ते तय करवा सकें। लेकिन अगर वो फीसें दे भी देते हैं तो मैंने ये देखा है कि वो लोग फीसें लेके और उसके बाद फ़ोन सुनना बंद कर देते हैं। तो प्रोफेशनल बहुत लोग आ गए हैं, कारोबार बना लिया उन्होंने रिश्ता करवाने को, तो हम लोग इसको फीस भी लीला करवाते हैं। और मेरे साथ 60 से ज़्यादा मेरे वॉलेंटियर्स हैं जो कि इस काम में मेरी हेल्प करते हैं, और जीरो फीस पे हम काम करते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई रिश्ता होने से पहले बाद में कोई किसी किस्म की फीस नहीं है। पहले जो काम बुजुर्ग करते थे अब वो प्रोफेशनल लोगों ने उनको टेक ओवर कर लिया, और रिश्ता दफ्तर खुल गए हैं और कारोबार हो रहा है। फीसें लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पर और उसके बाद फ़ोन सुनना बंद कर देते हैं। बच्चियाँ ओवर एज हो जाती हैं, इससे उनका वक्त ज़ाया होता है। अगर वो कोई रिश्ता करवा दें तो लोग देते हुए उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब इस तरह के कारोबार शुरू हो जाते हैं तो वो फिर फीसों के ऊपर ही सिर्फ अपने काम चला रहे होते हैं, अपने खर्चे। मैरिज ब्यूरो सिस्टम से ये अरेंज मैरिज सिस्टम ये कैसा है? देखिए, मैरिज ब्यूरो का काम है कि फैमिलीज को मिलाना। बाज़ औक़ात लड़के लड़कियां कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज वगैरह में मिलते हैं, वो उन्हें एक दूसरे को पसंद करके वो अपने पेरेंट्स से के थ्रू शादी करवा लेते हैं, वो सेमी अरेंज मैरिज होती है। लेकिन अगर लड़का लड़की खुद शादी कर लेते हैं वो प्योरली लव मैरिज होती है। और कभी ऐसा हुआ कि दोनों फैमिलीज को आपने आपस में मिला दिया हो लेकिन बाद में एक फैमिली आपके पास कंप्लेंट लेके आ गई हो कि जी डिमांड कर रहे थे, लालची लोग थे वो बहुत ज्यादा, तो हमारे लिए आप कोई और रिश्ता ढूंढ दें? बहुत दफा ऐसा होता है कि जब फैमिलीज दोनों आपस में मिलती है ना, उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये लोग कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है। बाज़ औक़ात लड़के वाले बहुत लालची होते हैं, बाज़ औक़ात लड़की वालों की वैल्यूज़ उनके साथ मैच नहीं कर रही होती, या उन्हें कोई सिर्फ खूबसूरती की ज़रूरत नहीं होती, और भी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं उन्हें, जैसे कि उनका स्टेटस चाहिए होता है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस भी चाहिए होता है, उनका लोगों से मिलना मिलाना, उनके घर का माहौल। किस तरह से ज़्यादा शिकायत आती है कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए? लड़के वाले बहुत चूज़ी हो गए हैं, वो बेहतर से बेहतर की तलाश करते रहते हैं और बस जाते हैं चाय वाय पी के आ जाते हैं, और उन्हें यही नहीं पता होता हमें चाहिए क्या। कभी ऐसा हुआ कि एक माँ ये अपने बेटे का रिश्ता लेके कि मुझे चांद जैसी बहू चाहिए, चाहे अपने बेटे का लोटे जैसी शक्ल क्यों ना हो? नहीं, लड़कों की देखें शक्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लड़कों की कमाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो बरसरे रोजगार है कि नहीं है, और उसकी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो शक्ल जो है वो बाज़ औक़ात इग्नोर भी कर देते हैं लोग। और लड़कियों के लिए लोग अक्सर कहते हैं ब्यूटी ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, स्टेटस ज़रूरी है, बाज़ लोग चाहते हैं कि पूरे 10/10 नंबर आए। और कभी ऐसा 10/10 नंबर वाली लड़की मिली? परफेक्ट तो देखें कोई भी नहीं होता, कुछ ना कुछ डेफिनेटली कोई ना कोई कमी रह जाती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अगर थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ रह भी जाए जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकें, तो उन्हें चाहिए कि काम आगे शुरू करें। अभी बूढ़े बाबा का रिश्ता आया जिनका हालांकि फरिश्ता आना चाहिए, लेकिन वो अपना रिश्ता लेके आ जाते हैं कि ये हमारा रिश्ता करवा दे। देखें, इसमें बाज़ औक़ात होता है किसी की वाइफ की डेथ हो गई
और अब वो पार्टनर चाहिए होते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि हमें इस वक्त तन्हाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। नहीं नहीं, मतलब कि 70 साल का बुढ़ा हो लेकिन उसको चाहिए 18-19 साल की लड़की, नौजवान। बिल्कुल, जो यंग जाते हैं 16-18 साल की लड़की जा रहे होते हैं तो वो तो ख्वाहिश होती है इंसान की, लेकिन फिर वो लड़की वाले भी कहते हैं कि हमें क्या मसला है कि हम इतने बड़ी एज के बूढ़े। लेकिन जब मर्सिडीज और सिविक नजर आती है तो इतना ही दिखता है। फाइनेंशियली अगर कोई बहुत स्ट्रांग हो तो बाज़ औक़ात बहुत गरीब फैमिली के पेरेंट्स जो हैं वो फिर राजी भी हो जाते हैं, वो कहते हैं चलें ठीक। अभी तक आपने कितने रिश्ते करवाए हैं? अभी तक तकरीबन 12,000 से ज्यादा रिश्ते हमारे। और सक्सेसफुल रिलेशन कौन कितने थे? तकरीबन हमारे नॉलेज में ज्यादातर सक्सेसफुल हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि अपनी अपनी तरबियत अपने अपने डीलिंग की वजह से अगर कोई रिश्ता खराब होता है तो उसमें वो हमें ब्लेम नहीं करते। क्या लड़की और लड़के को शादी से पहले फोन पे बात करनी चाहिए? डेफिनेटली देखना चाहिए, मिलना भी चाहिए। नहीं, बात है वो वाली, लेकिन प्यार मोहब्बत हर चीजें शादी से पहले आप लोग आपस में शेयर कर लो, क्या ये होना चाहिए? देखें, थोड़ी बहुत देखना और ये सब शरई बातें हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिसके साथ लाइफ गुजारनी है उससे बात करना, उसके साथ मिल लेना, देखना भालना ये जरूरी है बिल्कुल। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न बच्चे और बच्चियां हैं 24 घंटों में मेरे ख्याल के वो 19 घंटे तो लाजमी बात करते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? इसमें कोई बुराई भी नहीं है। देखिए, बहुत से गुनाहों से बचने के लिए अगर वो पहले से बात करके तो क्लियर कर लें कि भाई ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है, उससे मैं बातचीत कर लूँ, तो इसमें शरा ने भी इजाजत दी है इस चीज़ की कि आप आपस में देखें भालें एक दूसरे को, ताकि आप जिंदगी का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई आपके साथ रिश्ते के हवाले से कोई रابطہ करना चाहे, वैसे हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम में ठरकी लड़के ही देखते हैं, उनको रिश्ते की बहुत अशद ज़रूरत होती है, तो वो आपसे किस तरह रابطہ कर सकते हैं? देखिए, हम लोग लड़कों को या लड़कियों को इस तरह डील नहीं करते, हम फैमिलीज को डील। शादी के हवाले से उन लड़के लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? यूनिवर्सिटियों में वैसे बगैर शादी के मिलने से बेहतर है कि वो उनकी एक सिंपल अच्छे तरीके से निकाह कर दिया जाए और वो मिलते रहें, और उसके बाद जब वो उनकी मुकम्मल हो जाए तालीम, जॉब वगैरह करने लग जाए लड़का, तो वो अपनी फैमिली को स्टार्ट कर लें। बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती टाइम का। हमारे इस वीडियो का मकसद ये था कि बुराई को रोकें और निकाह को आम करें, और जो ठरकी लड़के ज़्यादा हमारी ये वीडियोस देखते हैं वो बराए मेहरबानी अपनी फैमिलीज को सामने लाएँ, ताकि वो फैमिली इनके पास रिश्ता लेके आएँ और निकाह को आम करें, बुराई ना करें। बहुत शुक्रिया, ये मानिए। अभी बूढ़े बाबा का रिश्ता आया जिनका हालांकि फरिश्ता आना चाहिए, लेकिन वो अपना रिश्ता लेके आ जाते हैं कि ये हमारा रिश्ता करवा दे। पार्टनर चाहिए होते हैं उन्हें, वो कहते हैं कि हमें इस वक्त तन्हाई जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कारोबार बना लिया उन्होंने रिश्ता करवाने को, तो हम लोग इसको फीस बिलिल्ला करवाते हैं। वैसे हमारे ज्यादातर प्रोग्राम में ठरकी लड़के ही देखते हैं, उनको रिश्ते की बहुत अशद जरूरत होती है।